नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ललितपुर में खिरकापुरा वार्ड नंबर 2 के पार्षद मुकेश रजक ने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी ललितपुर को दिया है। प्रार्थना पत्र में मांग की है ये सार्वजनिक स्थलों के पास से देसी शराब की दुकान हटाए जाने की मांग की है। विगत दिनों पूर्व खिरकापुरा निवासियों ने कलारी के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया था, जिसमें ललितपुर जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन्होंने समझा बुझाकर 15 दिन का समय कलारी हटाए जाने के लिए मांगा था, लेकिन समय बीतने के बाद अभी तक कलारी नहीं हटाई गई है। कलारी के सामने से मंदिर आते जाते समय शराबी अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करते हैं, गंदे गंदे गाने गाते हैं, कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में वहां के रहवासियों और आने जाने वाले भक्तों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं इसी रोड पर शमशान घाट भी पड़ता है, जो कि कलारी से कुछ दूरी पर ही है, और शहर के बीचों बीच स्थित मोहल्ला घुसियाने में भी एक कलारी है, जिसमें सामने मंदिर और पिछले हिस्से में दरगाह पड़ती है। इस कलारी को भी यहां से हटा देना चाहिए। किस वार्ड के पार्षद हैं आप और किस बात को लेकर आज जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं, क्या मांगे आपकी? मैं वार्ड नंबर 2 वेदासपुरा से मुकेश रजक पार्षद, मैं वहाँ से पार्षद हूँ, और हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से मोहल्ले के लोग मिलके जो खिरकापुरा में जो देसी शराब की दुकान जो संचालित हो रही है उसको हटवाने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करने आए हैं कि इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए, जन भावनाओं को देखते हुए। और वहाँ की महिलाएं, बच्चियाँ और हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, व्यायामशाला है, मंदिर है और एक पासी में एक शमशान है, इससे हम लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हम लोग कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ की कलारी हटाई जाए, लेकिन ऐसे ही कलारी एक घुसियाने मोहल्ले में भी है जिस जो शहर के बीचों बीच है, लेकिन प्रशासन का उस दूर अभी तक ध्यान नहीं गया है। हम लोग चाहते हैं कि कलारियों को शहर से का दूर कर दिया जाए, जिससे जनमानस को सुविधा हो। विगत दिनों पूर्व मोहल्ले वासियों ने वहां पे प्रदर्शन भी किया था, क्या आश्वासन मिला था उस समय? हाँ, उस टाइम पे माननीय SDM साहब और आबकारी विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो लोग भी आए थे, CO साहब भी आए थे, तो 15 दिन का हम लोगों को टाइम दे गए थे कि 15 दिन में हम लोग यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित कर लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए उसी सिलसिले में हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे, और वहाँ की महिलाएं काफ़ी उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगी। हम लोगों को वो कह रही हैं कि अगर आप लोग नहीं हटवाएंगे तो हम लोग कलारी को यहाँ में आग लगाएंगे कलारी में, और उसको यहाँ से हटवा देंगे कलारी। समस्त मोहल्ला वासी मोहल्ला वाले पूरे परेशान हैं हर तरह से।